साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग अपने व्याख्याताओं, उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों को टैबलेट क्रय करने के लिए 10,000 रुपये की राशि आपको दे रही है। आप इससे अधिक की राशि का भी टैबलेट खरीद सकते हैं। यह प्रक्रिया आपको 3 चरणों में करनी थी। पहला था एम शिक्षा मित्र ऐप में टैबलेट क्रय के लिए रजिस्ट्रेशन करना, आपने कर लिया। दूसरा काम था टैबलेट को परचेस करना, ये भी आपने कर लिया होगा। और तीसरा महत्वपूर्ण काम है एम शिक्षा मित्र ऐप के माध्यम से अपने टैबलेट प्रतिपूर्ति में 10,000 रुपये के लिए प्रतिपूर्ति का दावा करना। तो आज के इस वीडियो में हम तीसरा काम अर्थात टैबलेट प्रतिपूर्ति के लिए आप किस तरीके से दावा करेंगे और शासन से आपके खाते में 10,000 रुपये की राशि किस प्रकार से आवेगी, इस संबंध में चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि आप अपने टैबलेट में एम शिक्षा मित्र ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका आपने मोबाइल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया था, उसमें एम शिक्षा मित्र इंस्टॉल रहने दीजिए, लॉगिन रहने दीजिए। टैब प्रतिपूर्ति का काम आपको टैबलेट के माध्यम से करना है। तो सबसे पहले आप अपने टैबलेट में एम शिक्षा मित्र ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। इसके पश्चात एम शिक्षा मित्र को ओपन करिए। ओपन करने के पश्चात आप इसमें भी लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे ऊपर ही आपको दिखेगा टैब प्रतिपूर्ति, इस पर क्लिक कीजिए। अगला स्क्रीन ये आपको प्राप्त होगा जहां पर दो आइकन आपको दिख रहे हैं, टेबलेट क्रय हेतु पंजीयन और टेबलेट क्रय की प्रतिपूर्ति। आपको क्लिक करना है टेबलेट क्रय की प्रतिपूर्ति। क्लिक करेंगे फेच करेगा और इस तरीके से विंडो आपके सामने आएगी और जैसा इसमें स्क्रीन में दिख रहा है वैसा ही आपके टेबलेट में भी आना चाहिए, तभी आप सही तरीके से कर पाएंगे। तो इसमें कंफर्म कर रहा है ये कि क्या यह वही टेबलेट है जिसके लिए आपने प्रतिपूर्ति का आवेदन किया है। आप यस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे तुरंत आपका जो टेबलेट है जिसमें आप एम शिक्षा मित्र ऐप को रन करा रहे हैं, उस टेबलेट का कॉन्फ़िगरेशन, डिवाइस का स्पेसिफिकेशन क्या है वो इस पर डिस्प्ले होगा। और ऑर्डर में जैसा मैंने पहले बताया था कि आपके टेबलेट के लिए न्यूनतम स्पेसिफिकेशन तय है, उससे कम का अगर होगा तो विकासखंड स्तरीय समिति आपके इसके सत्यापन को निरस्त कर देगी। अब आप स्क्रॉल करिए धीरे से, यहाँ पर डिवाइस के स्पेसिफिकेशन के कंफर्मेशन की बात कही गई है। जैसे पहली बात है कि आपका 7 इंच का है या नहीं, मतलब कम से कम 7 इंच या उससे अधिक, तो इन सभी में आपको यस या नो करना है। ध्यान दीजिए, यदि आप सभी में यस करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मीट करेगा, तो ही आपका प्रतिपूर्ति दावा स्वीकार होगा, अन्यथा नहीं। तो आइए भर देते हैं इसको। अदर डिवाइस स्पेसिफिकेशन में यस करने के बाद स्क्रॉल करिए और नीचे बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिल रहा है, जीएसटीएन ऑफ सेलर। जैसे ही आप जीएसटीएन यहां पर इंटर करेंगे, सेलर का डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक आपके टेबलेट में डिस्प्ले होगा। जीएसटीएन नंबर लिखने के बाद तुरंत आपके सेलर का डिटेल यहां पर डिस्प्ले होगा। कौन से सेलर का, जो आपके इनवाइस में लिखा हुआ है। मैंने जीएसटीएन नंबर इंटर किया, फेच किया और इसने दिखा दिया। अब इसके पश्चात नीचे आपको भर देना है अपना इनवाइस का नंबर, इनवाइस की डेट यहाँ भरनी है और इसके पश्चात आपको यहाँ पर वारंटी पीरियड इंटर करना है जो भी आपके उसमें दिया हुआ हो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीन है, यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट डिस्प्ले होगा जिसमें आपकी सैलरी निकलती है। अगर ये बैंक अकाउंट सही है तो आप उसको यस कर दीजिए और अगर बैंक अकाउंट नंबर गड़बड़ है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे, तो एक नया, जैसे इस केस में यहाँ पर आईएफएससी कोड गलत है तो यहाँ पर नो कर दिया, तो ये नया नए जो फील्ड है उभर करके सामने आए, यहाँ पर आपको बैंक डिटेल फिल करना होगा। आइए फिल कर देते हैं। सही बैंक डिटेल भरने के पश्चात आप इसको स्क्रॉल करिए नीचे, तो यहां पर आपका जो बॉक्स मिला होगा टेबलेट के साथ उसका फ्रंट और बैक की इमेज अपलोड करनी है। तो ये पहले से आप रख लीजिए, टेबलेट में ये काम शुरू करने के पहले अपना बॉक्स और इनवाइस की कॉपी सामने रख लीजिए। अब इसके बाद आपको फ्रंट इमेज ऑफ टेबलेट बॉक्स को इस पर अपलोड करने के लिए बगल में लिखा है कैप्चर फोटो, कैप्चर फोटो पर आपको क्लिक करना होगा।
कैप्चर फोटो पर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक आपका फ्रंट कैमरा ऑन हो जाएगा। आप टेबलेट लेकर बैठ जाइए और उसके फ्रंट को सामने कर लीजिए। इसके पश्चात आपको सीधा सा क्लिक करना है कैमरा का जो आइकन बना हुआ है इस पर, तो आपकी जो फोटो है वो इसमें कैप्चर हो जाएगी। क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन सामने होगी। अब आपको दाईं ओर यहाँ लिखा हुआ है सही का निशान, सही के निशान पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे तो फ्रंट इमेज आप टेबलेट बॉक्स ये आपको सामने दिखेगा। अब इसके पश्चात आपको बैक इमेज को भी इसी तरीके से करना है, तो फिर से आपको क्लिक करना होगा कैप्चर फोटो। क्लिक करेंगे ये स्क्रीन सामने होगी। फिर से आपको कैप्चर इमेज के नीचे लिखा है कैप्चर फोटो, इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये स्क्रीन आपके सामने होगी। जैसे ही बिल्कुल क्लियर आपको दिखे कैमरा में, आपको कैमरा आइकन पर क्लिक कर देना है। ये फोटो आपकी खिंच गई। फिर से आपको सही के निशान पर क्लिक करना है तो ये दोनों आपके बॉक्स का फ्रंट और उसका बैक दोनों की इमेज आ चुकी है। ये फोटो आपको यहाँ पर दिख रही होगी। अब आपको इनवॉइस को इसमें कैप्चर करके अपलोड करना है, तो आपको क्लिक करना है कैप्चर फोटो, कहाँ पर, इनवॉइस इमेज ऑफ टेबलेट के नीचे। क्लिक करेंगे फिर से वही स्क्रीन सामने आएगी। अब आप इनवॉइस की फोटो आपको खींचनी होगी। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जब इनवॉइस की फोटो कैप्चर करानी होगी तो उसके बैक कैमरा से आप करना होगा, फ्रंट कैमरा में उल्टा दिखेगा। तो इसके टेबलेट के बैक कैमरा जो इसका मेन कैमरा होता है उस कैमरे से फोटो आपको कैप्चर करनी होगी। तो इस तरीके से आप कैप्चर कर लीजिए, और कैप्चर करने के बाद फिर से आपको सही का निशान लगाना है, और अगर साफ नहीं आ रही तो फिर से आप इसको दोबारा भी फोटो खींच सकते हैं। तो सही का ये फोटो चूंकि सही आ गई तो सही के निशान पर आप क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से ये तीनों चीजें आपको दिख रही हैं कि आ गई। अब अंत में आपको बहुत ही सावधानी से प्रत्येक फील्ड को चेक कर लेना है कि ये सब कुछ सही है कि नहीं, और अगर सही नहीं है तो उसको सही कर लीजिए, और अगर सही है तो सबसे नीचे आप पहुंचेंगे तो ब्लैक कलर की पट्टी में सफेद कलर से लिखा हुआ है सेव डिटेल, इस पर क्लिक कर दीजिए। आपका टेबलेट का प्रतिपूर्ति के लिए दावा अगर सही है तो उसमें सक्सेस का मैसेज प्रदर्शित होगा। तो सेव डिटेल्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा रन करेगा, और ये देखिए अगर आपका सब कुछ सही है तो बहुत ही प्यारा सा मैसेज यहाँ मिलेगा, टैब प्रतिपूर्ति में सक्सेस, डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। बस सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके, जानकारी बहुत ही आवश्यक और आज की तारीख में प्रासंगिक। आशा है आप इस जानकारी का लाभ उठाएंगे और बहुत ध्यान से अपने टैबलेट में एम शिक्षा मित्र ऐप के माध्यम से टैबलेट प्रतिपूर्ति का दावा अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।